हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का ये लुक है, जा रहा है रंजना के घर, घर नहीं वो मैरिज हॉल में शादी है। तो आज ये साड़ी पहने हैं, बहुत पहले का है, आप लोग देखिए पूजा के शादी के टाइम का ये साड़ी है। तो 6 साल पुराना साड़ी है, लेकिन सोचे कि कब सदेगा, पहनेंगे तभी जाके सदेगा ये। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आज का साड़ी। सोचे कि बारात में जा रहा हैवी है तो पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये ब्लाउज इतना बाजू का चल रहा था तभी हम सिलवाए थे, और यहाँ कुछ इस तरह का है। तो और आज जूड़ा भी बनाया है, यहाँ अपने से बनाया है, सब बाल उल झाड़ लिए हैं और रेडी हैं। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और चलिए प्रिंस के पास ले चल रहे हैं आप लोग को, और आप लोग मिलिए उससे। तो कल आएगा ब्लॉग, आज तो हम नहीं डाल पाएंगे इसलिए कि जा रहे हैं पार्टी में, और वहाँ का थोड़ा सा लाएंगे कुछ क्लिप जो कि आप लोग को दिखाएंगे। वैसे प्रिंस के ब्लॉग में आएगा देखने के लिए, तो आप लोग जाके एंजॉय कीजिएगा। वैसे भी सब लोग कहता है कि प्रिंस को बहुत मानती हैं, लेकिन गाइस सही बता रहे हैं, भगवान के कसम बता रहे हैं, जितना प्रिंस को हम डांटते हैं ना उतना किसी को नहीं डांटते अपने घर में। प्रिंस बहुत सहता भी है, तो आप लोग समझते हैं कि छोटा बेटा है तो हम ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बहुत डांटते हैं, ऐसा है कि नहीं? सब लोग उसको डांटता है, सही डांटते हैं, वो बर्दाश्त भी करता है और सह भी लेता है। हम लोग एक बोलते हैं तो नहीं जवाब देता है, इसीलिए उसको हम भी डांट देते हैं, सचिन भी डांटते हैं, सारे लोग डांटते हैं उसको, वो हंस के इग्नोर कर देता है। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो उस पर क्या करता है, वो फनी लगा देता है, तो वो हंसते रहता है, ऐसा उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम क्यों बोलेंगे कि तुम ऐसे थंबनेल लगाओ ऐसे लगाओ, सब मेरा ही बच्चा है। अभी मनीषा सब हमको, ये मनीषा हमको दी है, ये मम्मी पहन लीजिए, तो हम लोग आपस में पहनते रहते हैं। ये भी साड़ी हम जाके मनीषा को बोले हैं कि अच्छा लग रहा था तुम पहन लो, तो बोले ब्लाउज नहीं होगा मम्मी आप पहनिए, तो हम पहन लिए। फिर भी अलमारी खोल के दिखाए हैं, जो तुमको अच्छा लगे साड़ी तो पहन लो, तो ब्लाउज तो होगा नहीं उसमें। और सुबह से मालूम रहता तो हम फिटिंग करवा देते, तो बहू है मेरी, हम क्यों उसको बुरा चाहेंगे। और आप लोग प्रिंस का ब्लॉग, सचिन का ब्लॉग देखे होंगे, तो हम लोग घर में इसी तरह रहते हैं। आप लोग झूठ मूठ के ये सब पचड़े में मत पड़िए, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और यहाँ पे रेडी हुए हैं। तो ये साड़ी बहुत पहले का है और नया नहीं है, तो सोचे हैं कि कभी कभी पहन के सधा दे, नहीं तो कब पहनेंगे, इसीलिए पहन लिए हैं। तो इसके लिए भी आप लोग कोई कमेंट समेंट मत कीजिएगा कि ऐसा पहनिए वैसा पहनिए। तो देखिए चलिए लेके चलते हैं आगे, और सॉल रख ले रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और ब्लैक ब्लैक चल रहा है साथ में, आओ चलिए। गाना उतना रखा है जी, खाएगा सब नहीं, मम्मी इधर तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और सचिन को ले आने लेके आ रहे हैं, तब हम लोग जाएंगे अंदर। बारात भी आ गए हैं, अब बहुत ठंड है लग रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं लगेगा। हाँ अंदर नहीं लगेगा, और देखते हैं वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो आप लोग बने रहिए और खूब इंजॉय कीजिएगा, चलिए। तो एक साड़ी पहन के चेंज कर दिया, फिर दूसरा लहंगा पहनी है, तो अब अच्छा लगा। साड़ी से भी हल्का है, बहुत हल्का है, दिखा दो धीरे धीरे इसका लुक। ठंडा भी लग रहा है, और उस पे आर्टिफिशियल पानी हुई थी, तो हम माना किया कि मत पहनो, ये वाला पहन के चला जाए। तो चलिए चल रहे हैं लोग, चलो ठीक है ना। आप लोग को मेरे किचन से स्वागत है, और आज बुधवार है, तो आज 7 तारीख है, और
आज जाना है किट्टू अमित के यहाँ, तो देखते हैं जाते हैं लोग कि नहीं। तो सुबह के 8 बज चुका है, तो अभी जा रहे हैं चाय बनाने। और पापा को अभी निकलना है स्कूल, 8:30 से स्कूल हो गया है, तो पहले निकलना पड़ता है स्कूल के लिए। तो जो आई थी काम करने वाली, वो तो कुछ कुछ कर दी हैं, कुछ का सब कुछ करके जाती हैं, केवल बनाना है। तो देखते हैं, ना होगा तो बनाएंगे। हेलो सब लोग, वहाँ से 12 से ऊपर हो गया था, तभी गले में भी कुछ नहीं पहने, सब निकाल दिया है, कान का भी निकाले हैं, तो इस समय पहनेंगे और आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा से। तो गैस, तो हम रात में सचिन हमको बोले कि जाना है कि नहीं, नहीं जाना होगा तो आप बताइए, जाना है तो बताइए। हम लेंगे, ठीक है, हम और मनीषा को जाना है। तो छपरा से गाड़ी थी जाने के लिए, तो बोल रहे थे कि छपरा हम छोड़ देंगे आप लोग को, 12 बजे से चल जाइएगा लोग। तो हम लोग, कोई बात नहीं है, जाएंगे हम लोग, दोनों आदमी चल जाएंगे, सास बहू, उसको आना है एक दिन के बाद, तो इसके वजह से वो हम लोग को बोल रहा था। तो हम बोले कि ठीक है, तुम पहले अपना मैं डिसीजन कर लो कि क्या करना है, तब हमको बता देना सुबह। तो सुबह ही बताना, चूँकि पैकिंग वगैरह नहीं किए हैं, तो अभी तक तो उठे नहीं हैं लोग। तो देखते हैं, शायद लग रहा है कि हम नहीं जाएंगे, 8 से ऊपर हो गया है, तो अभी समय खाना पीना भी बनाना है और जाने के लिए फिर समय होना चाहिए, ट्रेन में खाना बनाने ले के जाने के लिए बनाना पड़ेगा। तो अब लग रहा है कि हम नहीं जाएंगे, सचिन मनीषा कल जाएगा लोग उनके पार्टी में, तो कोई बात नहीं है। हमको भी ऐसे मन नहीं था, इसलिए कि अंकल जी घर पर अकेले रहेंगे तो बना के खिलाना पड़ेगा। और देखते हैं कि अब क्या होता है, उठता है लोग तो क्या डिसीजन ले रहा है लोग, क्या करेगा लोग। तो अभी तो दोनों जन सोया है लोग, उठेगा लोग तब बात होगी, तब तक चाय लेके हम चलते हैं। और सुबह का चाय किसको किसको पसंद है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे चाय छोड़ भी दें, क्योंकि इससे बहुत तरह के बीमारी है, हानिकारक है। एक तो ये नशा के जैसे है, जब तक चाय नहीं पियो नींद लगते रहता है, चाय पी लेने के बाद से नींद खुल जाता है। तो किसको किसको ऐसा होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, अब चाय मेरा लगभग हो चुका है, थोड़ा सा और होगा। क्या चाय का कलर आप लोग देख रहे हैं, कितना अच्छा दिख रहा है। फिर अंदर गया और यहाँ दूध भी बैठा दिए, के साथ साथ दूध भी हो जाएगा, तो दोनों काम कर ले रहे हैं सर। तो यहाँ देखिए चाय का मस्त लगता है, इसका उबाल देखकर। करने आई थी नहीं ना, नहीं 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 बाहर आई थी अभी, झाड़ू पोछा वाली आज सोचे थे कि चाय नहीं पीने के लिए, लेकिन चाय पीना पड़ गया, क्योंकि सचिन के पापा बरस कर लेते हैं तो उनको चाय चाहिए। तो यहाँ मेरा चाय हो गया, आज कम कर देते हैं दूध का, चलते हैं लेकर प्रिंस के पापा के पास मिलवाते हैं आप लोग को। ओके, सचिन के पापा पूजा कर लिए हैं, अब चलते हैं उनसे पूछते हैं। चाय गर्मा गर्म, थोड़ा सा लाइट चला दीजिए, चाय लीजिए गर्मा गर्म। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपको कहाँ जाना है? हमको जाना है क्लास करने, मैं अपना कोचिंग भी शुरू करने वाला हूँ, रेड रोज कोचिंग, उसी के लिए मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया हूँ अब। अरे स्कूल जा रहे हैं, नहा धोवा लिए, 8 बजे से मेरा क्लास है, मेरा मैथ का क्लास है 8 बजे से। बिल्कुल, तो लेट तो होगा आज 8 मिनट लेट है, लेट नहीं होगा, 8:10 हुआ है। हाँ, तो 8:15 से शुरू होता है। हाँ, तो अब चाय भी नहीं पी पा रहे थे, बोले कि हम जा रहे हैं, आप अपना एक कीजिए। तो यही होता है ना कि जल्दी से अगर नहीं करके दो तो नहीं, फिर अब पता नहीं 12 बजे आएंगे कि कब आएंगे, चले जाएंगे, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि सुबह दो रोटी बिना नाश्ता किए नहीं जाएंगे। लग रहा है ना कि आँख के सामने जो नहीं खान
डेली लेट हो जा रहा है नाश्ता में, हम लोग 9 बजे तक कर भी लेते हैं नाश्ता, पढ़ा रहे हैं ना तो ऐसे ऐसे होने लगता है, इसलिए बुझा रहा था कि अच्छा तो कल से कोशिश करेंगे, तो काम करने वाली आ जा रही है टाइम से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 रोटी बना के दे दें, आप खा के चले जाएं। तो हम लोग का रूटीन ऐसा है कि सुबह में थोड़ा सा जल्दी रहता है, उसके बाद दिन भर कोई बात नहीं रहता है क्या, कोई सोए बैठे, दिन भर मिले ना मिले कोई बात। तो अब बेड ठीक करना है, तो चलिए हम भी जा रहे हैं नहाने, नहा के थोड़ा सा हम भी पूजा वूजा कर लें, तब फिर मिलते हैं आप लोग को। वीडियो कराने देते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब प्यार बनाए रखिए आप लोग, और हंसते खेलते रहिए, और किसी के